too. झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है, तब वो पलटकर उसे देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज हावी हो गई है, और इसके बाद फौरन वो नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते हुए कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, जिसके बदले में चाहे तुम मुझे ले जाओ। और फौरन ही उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है, और अचानक से उसकी वाइफ को कुछ सुपरनेचुरल चीजें पानी में खींच लेती है। उसे बचाने के लिए वो काफी उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोई चीज अंदर से उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, और ऐसा करने वाली ये मरमेड जलपरियां ही होती है। और उन जलपरियों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके हस्बैंड की जान बख्शने की कीमत उन्होंने उसकी वाइफ में से ही पूरी। और इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में मंगेतर होते हैं। लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। असल में वो स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं कि मरीना को स्विमिंग नहीं आती, जिस पर उसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। और ठीक उसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहां आ जाता है और वो उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है, और रोमा मरीना को पूल के किनारे छोड़कर रेस करने चला जाता है। उन दोनों के रेस पर जाने के बाद मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो फौरन डूबने लगती है, और रोमा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब उनकी स्विमिंग खत्म होती है तब वो आकर देखता है कि मरीना डूब रही है, जिस पर रोमा उसे फौरन बचा लेता है और मरीना मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। इस वाक्य के बाद उन दोनों के दरमियान काफी क्लैश हो जाता है। उसके बाद रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ उस घर के नजदीक झील में डूबकर हुई थी, और इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे। और यहाँ पर यह हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी असल में रोमा का फादर होता है, और जलपरी ने उसकी माँ को डुबोकर मार दिया। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है, और वो दोनों देखते हैं कि उस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिससे वो दोनों सोचते हैं कि ये पानी शायद सीवरेज के खराब होने से यहाँ पर आया है, या फिर बारिश होने की वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ देर गुजरने के बाद उनके बाकी फ्रेंड्स भी पार्टी के लिए आ जाते हैं। उस वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ देता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है। वो फौरन मरीना को कॉल करता है और वो किसी जरूरी काम में बिजी होती है, और रोमा फौरन उस झील में स्विमिंग के लिए उतर जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी वहां पर कोई मौजूद है। वो झील से बाहर आ जाता है और वहां पर उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने बालों में कॉम कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि शायद ये जलपरी है, और वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो लड़की उसे क्रॉलिंग स्माइल देती है और उसे पूछती है डू यू लव मी। फिर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई रिस्पांस नहीं देता, और सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, और वो बेहोश होता है लेकिन झील के किनारे, और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो उस लड़की यानी जलपरी के बारे में पूछता है। उसकी फ्रेंड्स देखते हैं कि जमीन पर उस जलपरी की कॉम पड़ी है, और वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट होती है और वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा होता, जिस पर उसका कोच उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। फिर ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो फौरन पलट कर देखता है और वो जलपरी फौरन वहां से गायब हो जाता है, और रोमा घर आ जाता है। और अब वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब उसे फीवर भी हो जाता है। मरीना फील करती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से हुई है। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है और वो सोचता है कि ये मरीना है, और वो उस पर शाउट करता है। फिर वो देखने के लिए उठता है लेकिन वहां पर कोई नहीं। मरीना रोमा को मेडिसिन देकर उसे सुला देती है और उसकी सिस्टर से वीडियो चैट करने लग जाती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत बताने के बाद कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो फौरन उसे कंघी दिखाती है। उस कॉम को देखकर ओल्गा काफी हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है और सेम कंघी उसे वहां पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है, और अब वो देखता है कि वो उसी झील में है। वो झील से बाहर आ जाता है और उसे
वही जल परी नजर आती है। वो फिर रोमा से वही क्वेश्चन करती है, डू यू लव मी, जिस पर वो इनकार कर देता है। वो उस पर शाउट करती है और रोमा फौरन बेहोश हो जाता है। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश होता है और सब लोग उसे होश मिलाने की कोशिश करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत काफी खराब हो जाती है, वो काफी बीमार हो जाता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और रोमा लोगों को सारा वाकया सुना देता है कि उसे एक लड़की मिली थी और उसके बाद अजीबोगरीब होना शुरू हो गया था और वो लड़की हर जगह उसके साथ होती है। जिस पर ऑल्गर रोमा से पूछती है कि पहली मर्तबा उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। वो बता देता है कि झील के किनारे, और उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और उसकी किस भी की थी। ये सुनते ही मरीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे रोमा भी जाता है, लेकिन अब उसमें काफी वीकनेस हो चुकी थी तो वो ज्यादा नहीं चल सकता था। और अचानक से मरीना को किसी की आवाज आती है, फिर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती है और उसके पीछे रोमा भी जाता है। रोमा एक कमरे में चला जाता है, वहाँ उसे फिर जलपरी नजर आती है और मरीना की वहाँ पहुँचने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले कि सब लोग रोमा को उस रूम से बाहर निकालते, वो जलपरी एक बार फिर उस पर अटैक कर देती है। और ये सारा वाकया देखकर ऑल्गर फौरन समझ जाती है और वो उसे अपने फादर के पास ले जाती है। पहले तो उनके फादर उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। फिर वो ओल्गा की सारी बातें सुनते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो वो काफी रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब उस जलपरी की बात मत सुनना, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। इसके साथ ही वो सारा वाकया उन्हें बताते हैं। वो बताते हैं कि वो जलपरी आज से तकरीबन 20 साल पहले उन्हें एक झील के किनारे मिली थी, जो उन्हें टॉर्चर भी करती थी और हर जगह नजर आती थी, और तुम्हारी मदर ने उससे बचने के लिए काफी हरबे की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका और तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई। और कहते हैं कि आज भी वो मुझे याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का जिक्र नहीं कर रहे होते, बल्कि उस जलपरी का कर रहे होते हैं जिन्हें वो आज तक नहीं भूले। ये सुनने के बाद सब लोग झील के किनारे उस घर में जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर ही रुकते हैं और ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ उस झील के किनारे जाती है। लिया झील में कूद जाता है और झील के अंदर उसे एक कब्र नजर आती है। वो उस कब्र के पास जाता है, उस कब्र के ऊपर नाम लिखा होता है, वो उसको पढ़ता है तो इसके साथ ही उसे कुछ डेड बॉडीज नजर आती हैं। ये देखकर लिया पानी से भागने की कोशिश करता है, तब जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है और ओल्गा की मदद से झील के किनारे पर आ जाता है और उस जलपरी का नाम बताता है और उसका नाम लीजा ग्रेगोरीवा होता है। दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। वो वहाँ जाती है तो वो रोमा की मदर का गोस्ट होता है और ये भी बताती है कि मरने से पहले वो एक रिचुअल कर रही होती है। और रोमा की माँ ये भी कहती है कि जो तुम्हारा है उसे तुम ले लो और जो मेरा है यानी मेरे अपने उन्हें मुझे लुटा दो, जिससे मरीना काफी डर जाती है और वो वापिस अपने घर में आ जाती है। और वो रोमा के पास आती है, वो देखती है कि कोई इविल पावर रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रही है, जिस पर मरीना रोमा की हेल्प करती है। तो अचानक से बेसमेंट से वो जलपरी बाहर आ जाती है और उसे फिर से खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर मरीना उस जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है और उस जगह को कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। और ओल्गा उन लोगों को बताती है कि पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन किया जाता। उसका अंदाजा ये होता है कि लीजा ग्रेगोरीवा ने भी शायद सुसाइड किया होगा और उसकी कब्र को भी वहाँ बना दिया और पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी कब्र झील में डूब गई। और ये भी कहती है कि उन लोगों को उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। और साथ ही मरीना रोमा की मदर और उसके रिचुअल के बारे में बताती है और उसकी चीज यानी उस कॉम के रिचुअल की बात कर रही होती है। और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका वेट करे और अंदर जाकर खुद रिचुअल शुरू करती है। इतनी ही देर में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उसे पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में वो यस कह देता है और वो उसे पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। ये देखकर ओल्गर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। और वहाँ पर मरीना अलग अलग तरीके से रिचुअल की प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। वो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में उसको देखते हुए कहती है कि अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस लुटा दो, और फौरन कंघी गायब हो जाती है और जलपरी मरीना का सर पानी में डिबोकर उसे अपना पास्ट दिखाती है कि माजी में उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसमें एक लड़का उसे शादी का प्रॉमिस करके उसे धोखा दे देता है
और एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन्हें मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है, उस नदी में कूद जाती है और इसके बाद वो जलपरी बन गई। और आज से पहले बहुत सारे मर्दों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें पानी में डिबोकर मार दिया। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की तरफ भागता है। वहां पर वो देखता है कि लिया भी प्रोसेस हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहां पर जलपरी काफी तादाद में मरीना बनाकर फिर पूछती है, डू यू लव मी? और इस बार रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो मरीना को आई लव यू बोल देता है और ऐसा करते फौरन ही अंदर से प्रोसेस का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह ऐसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने प्रोसेस किया होता है और एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसमेंट में जाता है। उसके पीछे रोमा भी चला जाता है। वहां पर लिया को जलपरी अपने साथ ले जाती है, जिस पर रोमा उसे काफी बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा सकता। और यहां पर एक बार फिर रोमा पर वो जलपरी अटैक करती है और उसे कहती है कि वो तुमसे सारे अपने छीन ले। ठीक उसी वक्त मरीना और ओल्गा वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रोमा की वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और वो फौरन उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फिर उन्हें जलपरी नजर आती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में जलपरी ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा लेता है। इस पर ओल्गा कहती है कि हमने तो उसकी कंघी से रिटर्न कर दी है, फिर वो भी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? और फौरन रोमा को इस बात की समझ लग जाती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़े। रोमा फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई उसके सर पे वार कर देता है और उसे बेहोश करता है। झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आती है। वो फिर रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? जिसके जवाब में रोमा उसे कहता है, यस आई डू। बट वो जलपरी उसे कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, और फौरन रोमा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को बेसमेंट में सेक्रीफाइस का जरिया बनाया होता है और वो एक रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वो अपने भाई के बदले उसकी होने वाली वाइफ को ले जा सकती है। मरीना रो रो कर ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी फौरन वहाँ पर रोमा के फादर आ जाते हैं। वो ओल्गा को मना करते हैं कि वो मरीना के साथ ऐसा ना करे क्योंकि जलपरी का मकसद यही है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है और फौरन वहाँ पर जलपरी पहुँच जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहने के बाद वो उसे आई लव यू बोलते हैं और वो फौरन ओल्गा के फादर पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है और इसी दौरान मरीना अपनी रस्सियां खोल लेती है और उस कैंची से वो उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी शैतान की एक शक्ल में थी और उसकी असल ताकत उसके बालों में होती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो बुरी तरह तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो ओल्गा पर अटैक कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा उसके फादर को नहीं बचा सकती, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन उस झील के किनारे जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है और बुरी तरह तड़प रहा है, जिस पर आकर वो रोमा को बताती है कि जलपरी की सारी ताकत उसकी कंघी में नहीं है बल्कि उसके बालों में है। रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है और इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। वो जलपरी मरीना पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका काफी मुकाबला कर लेती है और वो जलपरी के बाल काट देती है। जैसे उसके बाल कटते हैं रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और वो दोनों गले मिलते हैं और वो रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? ये सुनते ही रोमा को काफी शक हो जाता है और वो उसके बाल काटने लगता है और वो वाकई ही जलपरी होती है। और इस बार वो उसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी और जैसे ही उसके बाल कट रहे होते हैं वो कमजोर से कमजोर होती जा रही। फिर रोमा फौरन तालाब में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश है। वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है और थोड़ी ही देर बाद मरीना भी होश में आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के म्यूचुअल लव की वजह से उन्होंने इस ट्रायल को जीत लिया है और जलपरी की ताकत भी उनके सामने हार मान गई और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है।